फाटे के पास एक निजी कंपनी के परिसर में मंगलवार को दिन दहाड़े हत्या की वारदात हुई। पति ने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। दोनों ही अलग रहते थे और उनमें बच्चों को लेकर विवाद चल रहा था। पत्नी के सहकर्मियों ने आरोपी पति को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। फिलहाल सोनेगांव थाने में हत्या का मामला दर्ज कर पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसी जानकारी सोनेगांव पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक दिलीप सागर द्वारा दी गई। शिवनगांव फाटे के पास एक निजी कंपनी के परिसर में मंगलवार को दिन दहाड़े हत्या की वारदात हुई। पति ने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। दोनों अलग रहते थे और उनमें बच्चों को लेकर विवाद चल रहा था। पत्नी के सहकर्मियों ने आरोपी पति को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। सोनेगांव थाने में हत्या का मामला दर्ज कर पति को गिरफ्तार किया गया है। ऐसी जानकारी सोनेगांव पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक दिलीप सागर द्वारा दी गई। काल दुपारी 3:15 सुमारास शिवनगाव फाटे या ठिकाणी एक महिला आहे, अंकिता धुर्वे, त्या ठिकाणी ती गार्डचं काम करत होती। तर त्या अनुषंगाने तिचा नवरा आहे तो गुगुस चंद्रपूरकडला राहणार आहे। त्यांचं कौटुंबिक वादातून तो नवरा त्या ठिकाणी आला आणि तिच्याशी वाद घालता त्याने त्या ठिकाणी नवरे तिच्या पतीला त्या ठिकाणी मारहाण करून तिचा खून केल्याचं निष्पन्न झालेलं आहे। आरोपीला अटक केलेली आहे। त्यांना दोन लहान मुलं आहेत, त्या मुलांच्या अनुषंगाने पण त्यांचा वाद होता, ती सोबत राहत नव्हती आणि त्यामुळे तो थोडा चिडलेला होता, त्या अनुषंगाने त्याने खून केल्याचे सांगितले आहे। पुढील कारवाई आपण करत आहोत।